इस मकसद के लिए वही मॉडल अडॉप्ट किया जा रहा है जो दुनिया भर में राइज है। मैं मिसाल देना चाह रहा हूं आपको कि लंदन हीथरो, लंदन का गैटविक, चार्ल्स डी गाल पेरिस, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, एमस्टर्डम में, यूरोप और ब्राजील के बड़े हवाई अड्डे, जोहान्सबर्ग का हवाई अड्डा, इंडिया में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, दक्कन, इसी तरह मदीना मुनवरा का हवाई अड्डा, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद एयरपोर्ट और ऑस्ट्रेलिया के मेगा हवाई अड्डे और तुर्की में जो इस्तांबुल का मेन एयरपोर्ट है, ये सब आउटसोर्स है और इनके ऑपरेशंस जो हैं वो इंटरनेशनल ऑपरेटर्स उसको रन कर रहे हैं, साथ वो अपने इन्वेस्टमेंट वहां पे लाए हैं और यही वजह के बेस्ट परफॉर्मेंस है क्योंकि इसमें अब एक्सपर्टीज बहुत एडवांस कर चुकी है दुनिया के अंदर। तो हम दुनिया के उसी मॉडल को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कई साल पहले, दहाइयां पहले होना चाहिए था, ये काम नहीं हुआ। हम इसको बिल्कुल वॉर फिटिंग पे हमने शुरू किया है। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक का जैली अदारा है जिसने दर्जनों एयरपोर्ट जो है उनकी कंसल्टेंसी की है, दुनिया में माना हुआ मुस्तनद अदारा है, वो इसके लिए हमें फैसिलिटेट करेगा और हमें कंसल्टेंसी की सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की है। हमने काम शुरू कर दिया है, तमाम मुतल्लिका वजारतें ऑन बोर्ड हैं और हम मिलकर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है उसके साथ काम कर रहे हैं। कोई निजकारी नहीं होगी, कोई निजकारी मीन प्राइवेटाइजेशन, एक इंच भी बेचा नहीं जा रहा। मैं वाजे तौर पर बता दूं, ये जहरीला प्रोपेगंडा जो लोग कर रहे हैं वो मुल्क के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे हैं हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में। हमारी खैर है, रियासत को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके हवाई अड्डों का जो हाल है आपको पता है और ये बेस्ट ऑपरेटर्स आएंगे, इंटरनेशनल प्रैक्टिस होगी, पूरी दुनिया ने ये मॉडल अडॉप्ट किया है, हम क्यों नहीं करेंगे, हमें भी ये मॉडल अडॉप्ट करना है। और हम G2G भी कर सकते हैं लेकिन मेरी मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस है कि हम कंपेटिटिव बिडिंग में जाएं और सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो आएं और आके यहाँ पे उनको मौका हम देंगे। कतर को भी ऑफर किया गवर्नमेंट ने, शायद UAE को भी ऑफर किया जाए। तो बेस्ट मॉडल हमारे नज़दीक ये है कि कंपेटिटिव बिडिंग हो और इंटरनेशनल ऑपरेटर्स का कंपटीशन हो, जो बेस्ट बिड दे पाकिस्तान उसको अपने एयरपोर्ट एक या दो या तीन जो भी सूरत हाल बने उसको वो आउटसोर्स करे। बहरहाल ये तीनों जो एयरपोर्ट्स हैं ये रडार पे हैं, इनको अपग्रेड होना चाहिए, शहरियों को बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी, पाकिस्तान को अप फ्रंट अमाउंट मिलेगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी और एक खास मुद्दत के बाद जो भी तय होगी वो चले जाएंगे और सब कुछ वापस हमारे हवाले कर जाएंगे। फिर उस वक्त जो लोग होंगे वो उस वक्त की हुकूमतें वो फैसला करेंगी कैसे आगे लेके चलना है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। अब आ जाए आप PIA मुद्दतों का व्यवहार अदारा है, मगर मैंने इन चंद माह में ये अंदाजा लगाया है कि ये काबिल इस्लाह है, लेकिन उसके लिए बहुत संजीदगी और तसलसल की जरूरत है और बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है इसके लिए चाहिए, क्योंकि PIA जो है अगर इसके यूरोप के और UK के रूट्स खुल जाएं, जिसके लिए हम एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और गोल पोस्ट के करीब होते चले जा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी बेपना है, एंटी लॉबी भी बहुत ताकतवर है जो PIA को चाहती है कि फ्लाई ना करे, क्योंकि PIA का शेयर मेरे पास फिगर्स मौजूद है, कौन कौन सी एयरलाइन ले गई है, लूट के ले गई है, तो दिल तो नहीं करता कि PIA का शेयर वापस आए, लेकिन हम पूरा अपना जोर लगा रहे हैं और उसका यह होगा कि रूट्स खुल जाएंगे तो टिकट भी एकदम नीचे आएगा क्योंकि कंपटीशन शुरू हो जाएगा। हमारे पास अगर कोई 12 से 14 जहाज ऐड हो जाए लीज पे, ड्राई लीज पे अच्छी कैपेसिटी के, और हमारे ये रूट्स खुल जाएं तो हम अपनी ना सिर्फ ये कि ऑपरेशनल कॉस्ट क्रॉस कर जाएंगे, पूरी कर जाएंगे, बल्कि जो डेट सर्विसिंग है वो डेट सर्विसिंग भी करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि डेट पुराना है तकरीबन 650 या 700 अरब के बीच का है, कौमी बैंकों का ज्यादा डेट है, लेकिन PIA ये सारा कर सकता है अगर उसे काम करने दिया जाए और तसलसल रहे, ये ना हो कि अखाड़ पछाड़ होती रहे, तसलसल रहेगा तो ये काम 3 से 4 साल में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरे पास जो चंद महीने बाकी हैं, अगर अल्लाह को जिंदगी देना मंजूर है तो उसमें जो हम कर जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फूड क्वालिटी, उसको हमने इंप्रूव किया है, आप टेस्ट कर सकते हैं, पहले की निस्बत फूड क्वालिटी इंप्रूव हुई है। लाहौर में बहुत तबाही थी, कराची में हमारा अपना किचन है, पिंडी में भी अपना किचन है, पिंडी किचन एयरपोर्ट से बहुत दूर है, उसको कुछ ठीक किया है, मजीद ठीक करने की गुंजाइश है, कराची वाले की कैपेसिटी बढ़ा को बेहतर किया, इंप्रूव किया उसको, 600 लोग काम कर रहे थे लेकिन वो मायार नहीं था जो चाहिए था, मायार बेहतर किया है। लाहौर में पता नहीं किसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था और वो जानने हम जानते नहीं थे कौन है, उसकी मायार बहुत घटिया था,
फिर इन्होंने कंपेटिटिव बिडिंग की तो अब सूरत हाल बेहतर है। दूसरी बात है जहाजों की हालत, 14 आपके पास A320 है, 4 नए लिए हैं लीज पे, 10 पहले वाले थे, तो जो नशिस्तें थी वो 7 जहाजों की ठीक होने वाली थी, कोई हाल नहीं था नशिस्तों का। उन 7 में से 2 की नशिस्तें ठीक हो गई हैं, बाकी 5 की इंशाल्लाह मार्च तक मुकम्मल सीटें बदल जाएंगी और वो बिल्कुल नई सीटें होंगी, चेंज होंगी, लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये A320 गल्फ में भी जा रहा है और ये डोमेस्टिक फ्लाइट भी कर रहा है, तो ये एक टास्क मुकम्मल होगा। दूसरी बात है आपके 777, आपके पास 12 777 है, जब ये चार्ज लिया था 8 फ्लाई कर रहे थे, 4 नहीं कर रहे थे, ये जो 2 777 है ये इंशाल्लाह एक इस महीने और एक अगले महीने फ्लीट में वापस आ जाएगा, तो 10 777 फ्लाई करेंगे, बाकी जो 2 हैं उनका मुश्किल काम है। ये जो 777 है इनकी भी सीटों के हालात ठीक नहीं है और यहाँ पे इंफोटेनमेंट का सिस्टम भी ऑब्सलीट हो गया है, तो इंफोटेनमेंट का नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, इनकी सीट्स भी तब्दील होंगी, ये एक महंगा काम है, मरहलावार होगा, इसको 8 महीने तकरीबन लग जाएंगे, हम एक एक दो दो करके बदलते जाएंगे। सबसे पहले बदलेंगे लाहौर इस्लामाबाद मॉन्ट्रियाल वाले जो लॉन्ग रेंज जहाज हैं, क्योंकि वो लोगों की जो ट्रैवलिंग है वो कई घंटे की ट्रैवलिंग है, वो लोग बहुत खराब होते हैं उसके ऊपर, ये 14 घंटे टोरंटो का है ट्रैवलिंग टाइम, तो इसकी हम बिजनेस क्लास की सीट्स भी बदलेंगे और इकोनॉमी क्लास की सीट्स को बदलेंगे और कैबिन की इंटरनल हालत इंशाल्लाह बदल देंगे बिल्कुल, ये हमारी कमिटमेंट है अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, यही रोड मैप है, ताकि जो फ्लीट अवेलेबल है उसकी शक्ल बदल जाए और लोगों की जिंदगी आसान हो, ट्रैवलिंग आसान हो, PIA की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो। PIA की ब्रांडिंग जो थी वो ना होने के बराबर थी, कोई बजट ही नहीं था, अब हमने उन्हें कहा है और वो बजट गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, हम मार्केट से कलेक्ट करेंगे, तो हमारा 48 करोड़ रुपए का टारगेट है कि हम ये 2 करोड़ से 48 पे लेके जा रहे हैं और ये हम अचीव कर लेंगे, मैं आपको बताऊं काम शुरू हो चुका है इस पे। इसके अलावा जो रवैया है PIA के स्टाफ का, मैंने अपने तौर पे चेक किया, मैं मुसलसल चेक करता हूं, रवैया भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हुआ है, उनको अपना रवैया मजीद बेहतर करना है। जो हमारी शराकत दारी है इनके साथ टर्किश के साथ, वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और मैं आपको बता रहा हूँ 53,000 टिकट बिक चुके हैं अब तक तकरीबन 1.5 से 2 माह में और 3 अरब रुपया का रेवेन्यू आ चुका है रेलवे को, सॉरी PIA को, ये PKT के प्रोजेक्ट्स। एमिरेट्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है कोड शेयर के लिए, उनकी प्रपोजल आई है, हमने भी अपनी प्रपोजल दी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं दुआगो हूँ और पूरी उम्मीद हूँ कि एमिरेट्स के साथ भी कोई रास्ता बनेगा कि हमारा ज्वाइंट वेंचर और कोड शेयर हो जाए। ये थी PIA की बात और ये है बात अपना आपके एविएशन की। अब आ जाते हैं रेलवे पर, रेलवे पे थोड़ी सी तफसील, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रेलवे जुलाई से दिसंबर तक जो ये 6 माह इस माली साल के 28 अरब 30 करोड़ रुपए हमने कमाए हैं, 53 अरब के अखराजात हैं। अब ये अखराजात 53 अरब कैसे हैं, इसमें से पेंशन के 20 अरब हैं, 19 अरब 93 करोड़ रुपए, तकरीबन 20 अरब रुपए पेंशन पे सिर्फ लग गए हैं। ऑपरेशनल अखराजात 33 अरब है, इसका मतलब है कि जो ऑपरेशनल खसारा है वो 4.25 अरब है, ये 4.25 अरब नहीं होना था, हमने 7 अरब का रेवेन्यू लॉस किया है 2 महीने जो हमारी सर्विस बंद रही है फ्लड की वजह से, यानी अगर ये फ्लड वाली उस्ताद ना आती तो ऑपरेशनल लॉस 0 था, सिर्फ वही पैसे थे जो पेंशन की मद में पड़ते हैं, क्योंकि पेंशन भी हमें कमा के देनी पड़ती है और कुछ गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है तब करके गुजारा होता है। हमें तकरीबन 21 अरब 70 करोड़ की सब्सिडी अब तक मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है, हमें पेंशनर्स के लिए पैसे लेने में बड़ी दिक्कत आती है, फाइनेंस पे बड़ा प्रेशर है फाइनेंस डिपार्टमेंट पे, अभी भी 4.25 अरब रुपया रिलीज कराया है और रात तक बैठ के हमारे लोग काम करते हैं, बैंक्स को बांटा है ताकि पेंशनर्स तक पैसा जाए और उनका चूल्हा जले। सैलाब ने हमारे अदारे को 500 अरब रुपए के लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट से एक आना लिए बगैर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे के मजदूरों ने, मेहनत कशों ने, मैनेजमेंट ने सर्विस को बहाल किया है। अब एक हिरक ब्रिज है जो चल रहा है, उस पर कुछ वक्त लगेगा, उस पर NLC डे एंड नाइट काम कर रही है, वो पैसों का मसला है हमारे लिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आगे जाके कि जो रोज का शॉर्टफॉल है वो कितना है और ये भी बताऊंगा कि शॉर्टफॉल को पूरा करने का रास्ता क्या है, सिर्फ मुश्किलात का जिक्र नहीं करना,
उसका सोल्यूशन भी तो बताना है ना। अब हमारी कोशिश यह है कि अदारों को कदमों पर खड़ा करें, क्योंकि जिस हाल में मिला वापस तो सवा सत्यानाश कर दिया था, तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी पूरी करनी है और किसी तरीके से खसारे को कम करने की कोशिश करनी है। सैलाब से पहले 47 ट्रेनें चल रही थी, अब 36 चल रही हैं, मगर रेवेन्यू 47 जितना है। ये सिर्फ किराया बढ़ा के नहीं हुआ, इसके लिए हमने रेक फुल कंपोजिशन पे चलाया है। और आप समझते हैं फुल कंपोजिशन का क्या मतलब है, जो 16-17 पे चल रही थी वो 20-21 पे चल रही है। तो इस तरीके से हमने सीट कैपेसिटी जो है कोशिश किया कि वो कम ना होने पाए। अब ये है कि इस वक्त हमारी आमदनी 15.5 करोड़ रुपए रोजाना है और हमारा खर्चा 19 करोड़ रुपए रोजाना है। ये एक आपको मैं रफ फिगर दे रहा हूं, इसमें 10-20 लाख प्लस माइनस हो सकता है। 15.5 करोड़ रुपए रोजाना हम कमाते हैं, हमें 19 करोड़ रुपया खर्च करना है। ये बड़ा गैप है जब आप इसको 365 दिनों पे ले जाएंगे, ये गैप फिल कैसे होगा? इसके 4-5 रास्ते हैं। पहला ये कि हम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में गए हुए हैं, हमने इस्तदा भी की है, अगर हमें अपने ये अपने जमीनों के कमर्शियल यूटिलाइजेशन पे पाबंदी जो लग गई थी, मेरे बाद की बात है, चीफ जस्टिस साहिबान लगा गए थे, उसकी इजाजत मिल गई जो मिलनी चाहिए जायज तरीके से एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, तो हम यहां से बहुत रेवेन्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज कब्जे हो जाएंगे, इस तरह बच जाएंगी, रेगुलराइज हो जाएंगी और सरकार को रेवेन्यू आ जाएगा। दूसरा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पे रेल कॉप जो है वो काम कर रही है, रेलवे की पैनल्स अंदर जो बाहर हैं, स्टेशन हैं, इनकी ब्रांडिंग से भी हम पैसे निकाल सकते हैं, रेवेन्यू आ सकता है, उस पर हम बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं। तीसरा रास्ता है ऑप्टिक फाइबर के लिए, जो मुख्तलिफ हमारे पास ऑफर्स आई हुई हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कि जिसने ऑप्टिक फाइबर डालनी है वो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूले पे रेलवे से बात करें। इसे कुछ वक्त लगेगा लेकिन ये रास्ता बन जाएगा इंशाल्लाह, और ये भी रेलवे को मुस्तकबिल में एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होगा। इसके बाद अगली बात है कि मजीद रेवेन्यू आपने कहां से निकालना है, वो है जो आपके ट्रैक हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं, लेकिन इन्हें टॉप ऑफ लाइन मेंटेनेंस चाहिए। फ्लड के बाद बड़ा नुकसान हुआ है, हमने अपना गुजारा तो कर लिया है, सेफ्टी मेजर्स तो ले लिए हैं, लेकिन हमें फंडिंग चाहिए इसके लिए, जिसकी हमारे रेवेन्यू में कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो आपको बताया पहले ही 3.5-4 करोड़ रुपया रोज का कम आता है, तो फिर क्या करें? तो वो जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस जिनीवा में हो रही है उसमें हमने 40 अरब रुपए की अपनी रिक्वेस्ट मिनिस्टर ईएडी और मिनिस्टर पीएनडी के जरिए, पीएम साहब के जरिए भिजवाई है। हमें तवक्को है कि वहां से हमें कुछ मिल जाए तो वो पाकिस्तान रेलवे सिर्फ ट्रैक्स की मेंटेनेंस पे लगाया जाएगा जो सैलाब की तबाही की वजह से मुतासर हुए हैं। उसका फायदा ये होगा कि ईआरस खत्म होगी, इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस, बैलेंस पूरी आएगी, स्लीपर पूरे आएंगे, ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम हो जाएगा और लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इनको फिर मजीद ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा। पेंशन, अब तक जुलाई से दिसंबर तक 17.5 अरब रुपए अदा किए हैं, तनख्वाहों की मद में 17.5 अरब और पेंशन की मद में 20 अरब पे कर चुके हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, 4.25 अरब की रिलीज हो गई है। अभी आ जाए कोचिज पे, जिसका तमाशा लगाने की कोशिश की गई है। पाइप लाएं जी, कितना पाइप यहां पे सामने रख, ये पाइप्स की आप तस्वीर बना लीजिएगा, ये एक आपको बारीक पाइप नजर आ रहा है और एक मोटा पाइप नजर आ रहा है। बहुत सादा जबान में बात करूंगा, ये यही पड़े रहेंगे, बाद में बना ले आराम से, पहले मेरी बात सुन लें। ये एक जो बारीक वाला पाइप है ये 7 डायमीटर का है, और जो मोटा पाइप है ये 20 डायमीटर उसका डायमीटर 20 mm है, जो मोटा वाला है, बारीक वाला जो है वो 7 mm का डायमीटर है। भाई यही कहानी है, ये क्या कहानी है ये सुने जरा। रेलवेज जो है पाकिस्तान की और इंडिया की, इनके अंदर है ब्रॉडगेज, दुनिया में और कहीं ब्रॉडगेज नहीं है, ये तो आपको मालूम है। जब आप चाइना से कोई चीज लेंगे वहां ब्रॉडगेज नहीं है, वो उसका स्टैटिक टेस्ट करेंगे, उसके हर तरह के प्रेशर को चेक करेंगे, लेकिन उनके पास वो ट्रैक नहीं है जो पाकिस्तान के पास, वो दौड़ा नहीं सकते उसको। सारे स्टैटिक टेस्ट मुकम्मल हुए हैं, हर चीज क्लियर हुई है, टॉप ऑफ लाइन मैकेनिकल इंजीनियर गए हैं, कोई एक आदमी गया है और उसकी इंस्पेक्शन हुई। अब वो पाकिस्तान आ गई है, बंदरगाह पे उतर गई है। अब आप मुझे बताइए कि क्या रेलवे अपनी एसओपी फॉलो ना करे कि उनका रनिंग का टेस्ट होना चाहिए था, या उसके बगैर ही मुसाफिरों को चढ़ा देते उसके ऊपर? ऑब्वियसली ये एक एसओपी है, दहाइयों से है, 2,500 किलोमीटर उन कोचिज को चलाया गया है, राइट फ्रॉम कराची टू पिशावर एंड देन टू खानेवाल और फिर ब्रांच लाइनों पर घुमा के लेके आए 2,500 किलोमीटर।
2000 पार्ट्स होते हैं एक कोच में, लिख लें 2000 पार्ट्स। उनमें से एक पार्ट पे हमारा एतराज हुआ कि ये पाइप जो था जिसका 7 mm डाया है, इसका काम है कि ये सिग्नल देता है ड्राइवर को कि ब्रेक लगा दो। ये हर कोच में लगा हुआ है, गार्ड के पास भी, पैसेंजर के पास भी। वो जंजीर खींचेगा, प्रेशर डेवलप होगा इस पाइप के जरिए, सिग्नल जाएगा इंजन में और वो ब्रेक लगा देगा। ये सिग्नल पास नहीं हो रहा था ठीक तरीके से, ना गार्ड का ना पैसेंजर का। तो हमारे इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर साथ आए हुए हैं, वो 6 महीने यही रहेंगे, 2 साल की वारंटी है, 6 माह वो इंजीनियर साथ रहेंगे यहाँ पे। हमने उन्हें कहा कि इसको बदल दो, उन्होंने कहा ठीक है। उनकी कॉस्ट पे ये मामूली रद्दो बदल हुआ है, मेरा ख्याल 1 लाख रुपया भी नहीं उनका लगा हुआ है, 1.5 लाख लगा हुआ है एक कोच पे। उन्होंने 3, 4, 5 दिन के अंदर इसको बदल डाला है, और ये हमारा राइट है। और भी अगर कोई मसला होगा तो उन्होंने पूरा करके देना है। अब जब 2500 किलोमीटर कोच चलेगी फुल थ्रॉटल के साथ, हमारे लोकोमोटिव के साथ, तो जो जो चीज नजर आएगी हम उसको ठीक नहीं करवाएंगे। हमें बस ये नजर आया, हमने ठीक करवाया, ये ठीक करवा लिया, ब्रेक्स बिल्कुल ठीक थी आप देखें। और ये रोज का काम है यहां पे, आपको पता है जब भी कोई मशीन आती है उसका यहां पे हॉट टेस्ट होता है, उसको दौड़ाया जाता है, उसको यूज किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो उस कंपनी को बताए जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, वो अपनी कॉस्ट के ऊपर उसको ठीक करके देते हैं। आपको याद है चाइनीज लोगों जो बिलोर साहब उसकी डाउन पेमेंट कर गए थे, उनके दौर में हुई थी पेमेंट, हमारे दौर में हमने लिए थे। वो जब चले यहाँ पे तो जो 3000 पावर वाले थे उनमें से बाज के नीचे जो शीट लगी हुई थी, वो शीट के अंदर अनसीन क्रैक्स आ गए थे जो ह्यूमन आई से नजर नहीं आते थे। याद करा रहा हूँ, आप में से बहुत से पुराने लोग हैं। वो मुझे रिपोर्ट हुआ, चाइनीज ने कहा जी हम रिपेयर कर देते हैं, हमने कहा ना रिप्लेस करने। तो वो 4 या 5 थे, हमने कहा नहीं 4-5 नहीं रिप्लेस करने, सबके रिप्लेस करने हैं मुस्तकबिल में भी ना। उन्होंने सबके रिप्लेस कर दिए। तो ये क्या इशू है मुझे बताइए, आज तक वो दौड़ रहे हैं और चला रहे हैं रेलवे के काम को। आपने राई का पहाड़ बना दिया, बाज लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। चले हमारी तो खैर है, हमें तो अब बदनाम करने का ठेका लिया हुआ बाज लोगों ने। चाइनीज एम्बेसी को सफारतकार एम्बेसी ने इसकी वजाहत की, अब चाइनीज को तो है एनॉय ना करें बिलावजा, या तो कुछ हुआ हो, हुआ कुछ नहीं है। आप अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा कौन का जिबा कर रहे हैं, ना आपका रेलवे पे एतबार उठे। लोग हैं सारे ही चोर हैं यार, सारे नालायक हैं, ऐसा नहीं है सारे नालायक नहीं है, ये बेहतरीन लोग हैं जो बैठे हुए हैं। ये जो तनख्वाह मिलती है उससे 4 गुना काम करते हैं, शाम तक बैठ के काम करते हैं। कोई टीएडीए लेता है इनमें से? एक आना टीएडीए नहीं लेते, ये रात तो बैठते हैं 8 बजे तक यहां पे। छुट्टी का दिन आज, हफ्ते का दिन, पूरा पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के अदारे बंद है, रेलवे का हेडक्वार्टर खुला हुआ, शाबाश कोई नहीं है। क्या पूछूं इनसे कि आप क्यों बैठे हुए, आप घर क्यों नहीं गए, अपने बच्चों को टाइम क्यों नहीं दे रहे, कोई शर्म आनी चाहिए। एक पार्टी के स्पॉन्सर्ड जो वो पेजेस हैं उन्होंने उसको वायरल करना शुरू कर दिया। एक एंकर को मैंने सुना, खातून को, उन्होंने कहा ये तो नाकारा हो गए, ये तो बर्बाद हो गए, ये चल नहीं सकते, और अब जब इस महीने ये चलेंगे ग्रीन लाइन में फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अगर शर्म है तो, जो नहीं है तो हया आनी चाहिए। काम है जर्नलिज्म यही है कि जहां गलती है उसकी निशानदेही करे, लेकिन एक जिम्मेदारी ही होनी चाहिए। और यहां पे एक साहब जो आप में बैठते थे वो हर बार यही धंधा करते हैं, उन्होंने ये काम किया, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, पिछली बार भी यही वो करतूत करते थे, ये बहुत बुरी बात है। आप हम पे तनकीद यार जितनी मर्जी कर लो, लेकिन लोगों को मायूस तो ना करो कि उनके अदारे काम ही नहीं कर रहे हैं, बेहतरीन काम करके भी ये सिला लेना है। ये जो कोचिज है 46 है, 230 का ऑर्डर है, 2017 में कंसीव किया था इसको, 2018 के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट करना था, नहीं कर सके, 2021 में किया। कॉन्ट्रैक्ट पिछले दौर में हुआ है, कंसीव हमारे दौर में हुआ है, डिलीवरी फिर हमें मिल गई है। बाकी सारा ये टीओटी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, सारी कोचिज बाकी पाकिस्तान में बनेंगी। इसके बाद पाकिस्तान को शायद जरूरत कम ही पड़े कोचिज कहीं से बनवाने की, हम यहां बनाएंगे। साथ मशीनरी भी ली है इन्होंने हमारी, उससे वर्कशॉप्स भी अपग्रेड हो रही है, शाबाशी कोई नहीं है इनको यार। आगे सुन लें, और कोचिज भी आ रही हैं। अब हैं 820 गुड्स वैगन्स, वो भी आपको पता है वो भी पुराना प्रोजेक्ट था, वो भी इसी तरह लेट हो गया, तकरीबन 4 साल लेट हो गया। अब उनकी पहली डिलीवरी आ रही है, 70 फ्लैट बेड वैगन्स आ रही हैं जो इस महीने के एंड पे पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, शिपमेंट हो चुकी है रास्ते में। फ्लैट बेड वैगन्स आप समझते हैं बीट रिपोर्टर कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कंटेनर्स को लेके जाएंगी, हमारी मूवमेंट बढ़ जाएगी, उससे इंशाल्लाह हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और ये टोटल 620
बाद में आनी है वो सिर्फ मटेरियल आएगा, मैन्युफैक्चर पाकिस्तान की फैक्ट्री में होगा। अल्लाह का शुक्र है उसकी भी टीओटी इन्होंने ली है साथ। तो ये हालात हैं, हम अपनी हैसियत से ज्यादा काम कर रहे हैं, इन बुरे हालातों में काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 5 साल नहीं है, जाहिर है कम टाइम है, कि हम जितना इसको कवर कर सकते हैं करें। ये वो चेंज है, ये तस्वीर मैं यहां छोड़ के जाऊंगा, आप इसकी भी तस्वीर आराम से बना लीजिएगा कि ये पतला वाला पाइप ये था और अब ये लग गया। और ये प्रेशर पाइप है, प्रेशर पैदा करता है, ये सिग्नल देता है, ये ब्रेक नहीं लगाता, ये सिग्नल देता है ड्राइवर को। ये पड़ा हुआ जनाब सलाह आम है याराने नुक्ता दां के लिए। तो ये सारी बात है, अब आप कोई सवाल करें, मैंने आपने अपना मुद्दा बयान किया। हाँ अच्छा जी, मैं समझ गया, समझ। ग्रीन लाइन के चलने में ताखीर की वजह सुन लें, ग्रीन लाइन में वाईफाई भी लगानी थी, जेनिटोरियल को आउटसोर्स करना था और टिकट के इन बिल्ट में खाना देना था। और खाना कहना देना आसान है, एक चलती ट्रेन को 3 जगह पे खाना देना, फ्रेश और गर्म और क्वालिटेटिव, दावा सारा कर देते हैं, उसके बाद ठुस हो जाता और नाम महकमे का बदनाम होता है। तो जो इन्होंने TORs बनाए थे मेरे हमारे पास दोस्तों ने, वो TOR ठीक नहीं थे, वो सारे TOR ठीक कराए, अपग्रेड कराए, ताकि हर बंदा XYZ बीच में ना गुस्सा है, क्वालिटेटिव कंपनियां आए, वो इन्होंने बनाया, वो प्रोसीजर अब इनका तकरीबन 90-80% कंप्लीट है माशाल्लाह। हम इस महीने के एंड पर ग्रीन लाइन अल्लाह के हुक्म से चला देंगे, इस वजह से डिले हुआ 15-20 दिन, और ये होना चाहिए था। उसमें इंफोटेनमेंट देनी है, उसमें आपने वाईफाई लगानी है, उसके अंदर आपने फीचर ऐड करने हैं, सर्विस देनी है, जेनिटोरियल दे दी है, जैसे पहले ग्रीन लाइन चलाई थी इंशाल्लाह ताला। तो टाइम लगता है चीजों को तैयार करने में। बाकी तमाम ट्रेन का सर एक एक दो दो करके हम चल रहे हैं, क्योंकि हम सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, एकदम सारी ट्रेनें चला नहीं सकते, जो चला सकती थी चला दी है और पूरी कंपोजिशन से चलाई है। और ये भी जो प्राइवेट ऑपरेटर्स की ट्रेन है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसने थोड़े बेंचमार्क पे ली हुई है वो हमने कोई नहीं चलानी, रेलवे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। या अगर कहीं स्मेल भी आ गई कि किसी ने मिली भगत से ट्रेन लिया, तो बेंचमार्क जो भी है बैठ के रेलवे से नेगोशिएट करें आके। रेलवे अपने खर्चे पे नहीं प्राइवेट ऑपरेटर्स की ट्रेन चलाएगा, उनके खर्चे पे चलाएगा, हमें रेवेन्यू चाहिए, यहाँ पे आने आने की जरूरत है, तो कहां से लेके आए। तो जो बात मान रहा है और जो रेलवे से तावुन कर रहा है, उससे रेलवे तावुन कर रही है, बिल्कुल सीधी 2+2 बात है भाईजान। क्योंकि अगर मैं कोई और कार्रवाई नहीं कर रहा, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये तो नहीं है कि नजर नहीं आ रही चीजें। ML1 पे जी, अब ये लास्ट है क्योंकि अभी और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएंगी। ML1 पे जी, हमने हुमायूं रशीद साहब की सरकर्दगी में यूनिट को फाल कर दिया है, उनको मैंने रिहायर किया है और ड्यू डिलीजेंस के जरिए किया है। तो अब चाइनीज साइड के साथ बात चल रही है, चाइनीज तैयार हो चुके हैं, उनकी मेहरबानी है, पिछले बीजिंग के दौरे में प्राइम मिनिस्टर साहब के वो मान गए हैं कि हम ML1 पे आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो एक बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है और बहुत लेट हो गया, उसकी कॉस्ट बढ़ गई हुई है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि उसकी कॉस्ट को जरा रीजनेबल कैसे करना है और कुछ उसके जो स्टार्टअप उसको कहाँ से करना है, क्योंकि ये जो सैलाब आया है तो हाइड्रोलिक स्टडीज दोबारा करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड सैलाब था जो दरियाई सैलाब नहीं था, तो वो स्टडी भी आपको दोबारा करनी है। और उसके बाद इस वक्त जो हमारा मोस्ट क्रूशल एरिया है वो ML1 का, वो सिंध के अंदर है, तो हम अपनी तरजीहात को डाइवर्ट किया सिंध की तरफ, क्योंकि हम उसके Part 1 में वो जो मुतासरा इलाका है उसके अंदर चाहेंगे कि ML1 जो है वो पहले उसके ऊपर काम शुरू हो, कुछ इधर होगा ज़्यादातर काम उधर होगा, तो उस पर प्रोसेस चल रहा है अभी, मैं उसको आपको हतमी तारीख अभी नहीं दे सकता, पहले उन्होंने मौका दिया। नहीं, इस तरह ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। एक मिनट जी, 1, 2, 3, 4। सर गुजारिश यह है कि अब तो इस वक्त कुछ हो नहीं रहा, वहाँ DGCA बैठे हुए हैं, खाकान मुर्तजा साहब तगड़े आदमी हैं, वो माफिया के साथ लड़ रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी चले गए हैं, शौकत साहब रिटायर हो गए हैं, बेहतरीन आदमी थे, कैप्टन सैफ अंजुम साहब आ गए हैं, अब तगड़े आदमी हैं, तो ये अब सब लगे हुए हैं। लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी को
लीगली साउंड करने की जरूरत है, उनका एक डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल होना चाहिए उनके पास अपना, जैसे कि रेलवेज में हम बना गए थे, पिछले तोड़ गए थे, अब दोबारा बना रहे हैं हम, तो वहां पे डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल बनेगा, जो ये बैटल लड़ेगा, ये एक दिन की जंग नहीं है। और कोई ऐसा काम नहीं करना कि जब तक मैं मौजूद हूं या हमारे दो अच्छे अफसर मौजूद हैं लड़ाई चल रही है, जिस दिन गए तो काम खराब, तो सिस्टम बनाना पड़ेगा वहां पे, वो हम बना रहे हैं। और ये मैं बता दूं, जिस तरह रेलवे की जमीनें डिजिटाइज हम करवा गए थे, सिविल एविएशन भी अपनी जमीनें अब डिजिटाइज करवा रहा है, उनको इस ट्रैक पर डाल दिया हमने। नहीं बारी बारी आएंगे, बारी बारी आएंगे, नहीं सर इस तरह नहीं जवाब, ऐसे नहीं, मुझे मुझे इससे ऐसे नहीं होगा जी। अगर जी भैया जो भी ट्रेनिंग चल रही है बहुत खराब है और जो मुसाफिर है वो शिकवा बना है। दूसरा, आप शहबाज स्वीट के साथ काम कर रही है लेकिन एक शख्स जो है वो रखना डाल रहा है इस सिस्टम को, जो है होता है बालक के लिए जो खरीदार है, कैसे मुकाबला करेंगे? वो जड़ा शख्स है ना, मैं उधर गल नहीं करनी, मैं रेलवे हेडक्वार्टर रेलवे की गल करनी है। रेलवे की बात ये है भैया कि ये बिल्कुल डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन ठीक है, मैं खुद एक दो रातों को खामोशी से गया था, वो मास्क लगा के टोपी शोपी पहन के, तो मैंने भी यही ऑब्जर्व किया। काम है बेपना करने वाला, उस पर एक तो जो POH का स्टैंडर्ड हम बना गए थे वो फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ। अब POH के लिए यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के लिए पैसा चाहिए, जो पैसा ये इंजीनियर मैकेनिक वाले मांगते हैं, फाइनेंस वालों के पास होता नहीं है। ये मैकेनिकल वाले बैठे हैं, ये ट्रैफिक वाले हैं, वो फाइनेंस वाले हैं, तो वो मैं बीच में इसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। एक ही रास्ता, रेलवे को एट एनी कॉस्ट अपनी इनकम बढ़ानी है और अपनी हालत बेहतर करनी है, और उसके लिए बाहर नहीं टांग झांक करनी, खुद अपने पाँव पर खड़े होना है। ये टाइम लगेगा चीज़ों को, लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी कि अखाड़ पछाड़ आइंदा नहीं होनी चाहिए। पिछली अखाड़ पछाड़ का सत्यानाश कर गए हैं जो भी कोई लोग कर गए हैं, मैं ना उनका नाम लेना चाहता हूं, ना उस बहस में पढ़ना चाहता हूं। डायरेक्टोरेट ऑफ IT उड़ा के रख दिया, अब दोबारा बना रहे हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल बर्बाद कर दिया, डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड को इम्प्रूव करना था, पूरा नक्शा पड़ा हुआ था, वहां का वहीं पड़ा हुआ है। आप अपने अदारों को इम्प्रूव करें ना, जैसे हम ERP लेके आ गए हैं, ERP से इंशाल्लाह ताला हर आने वाले 6 माह बाद इसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। जो ये नीचे नीचे गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं लगती, वो हर चीज़ कंप्यूटराइज हो रही है। अब राबता वाली एक आया हुआ काम, उस पर मुजाकरात चल रहे हैं, क्योंकि वो रेलवे के इंटरेस्ट में होगा तो हम बात करेंगे, उस पर हमारे अफसरान बात कर रहे हैं, अगर वो हो गया तो उससे भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। मिसाल के तौर पर अब रेलवे स्टेशन पर ले लें, अब वहाँ पर वॉशरूम्स हैं, वो वॉशरूम्स हैं रेस्ट रूम्स के पीछे, वॉशरूम को तो होना चाहिए सामने। अच्छा, लेकिन वो बने हुए हैं 100-125 साल पुराना निजाम है, तब रवायत और थी, आज रवायत और है। इनके पास पैसे नहीं है नए वॉशरूम बनाने के, तो मैंने इनको कहा कि आप जिन कंपनियों ने मोटरवे पे काम किया है, आप ओपन टेंडर करें कि आए ये जगह लें, यहाँ पे वॉशरूम्स बनाएं, इसका थोड़ा सा टोल लें, इनको ऑपरेट करें और सफाई भी करें, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ब्याक वक्त बहुत सारे काम खोले हुए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका नतीजा जो है वो आएगा, ये ओवरनाइट नहीं आता होता। देखिए पिछली बार भी अगर आपको याद हो, 5 साल थे पहले, 2 साल चीजें सीधी करने में और फायर फाइटिंग में लग गए थे, फिर 3 साल के अंदर आपको बड़े वाजे रिजल्ट्स नजर आने शुरू हुए। अब है ही 1.25 साल, उसमें से 8-7 महीने हैं, अब फायर फाइटिंग कर रहे हैं और सिस्टम सीधा कर रहे हैं, इसमें इतना ही होगा। भाई साहब, आपके हल्के में तकरीबन 75% जो है ना रेलवे की जमीन है, और जहाँ पे दो दो तीन तीन मरले पे गरीब लोग रह रहे हैं, जो कि एक ईंट भी लगाते हैं पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, तुसी कितने रहते हो? देखो भैया बात ये है, आप तो मेरे वोट खराब करने के लिए आ गए। रेलवे का वजीर कोई और है और NA 131 का MNA कोई और आदमी है। जो MNA है वो MNA होता है और वजीर पूरे मुल्क का होता है, बस इसी के अंदर सारा जवाब है। उसने पूरा मुल्क देखना है, हल्के के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो बतौर MNA करता हूँ, बतौर वजीर मेरे पास इख्तियार नहीं है कि मैं अपने हलके के अंदर काम करवाऊं, मैं बतौर MNA करवा सकता हूं। खाना साहब, गुजारिश है कि चौधरी आपका सियासत में बड़ी नजर है, आपकी आप एक ग्राम रूट लेवल से आए हुए हो, चौधरी प्रवेश लाइन का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप पंजाब में? पता नहीं भैया, खुदा हाफिज़।